आदमी जो है ना असल में हंसता कब है, जब दूसरा बेचारा संकट में रहता है। अल्लाह के छिलके पे पैर पड़ गया, एक आदमी गिर के तलाक से करार आ रहे राम हो रहा, और बाकी लोग देख के ही हंस रहे हैं। अब देखो आदमी अच्छा खासा कपड़ा पहन के निकला बारिश के मौसम में, और पैर स्लिप किया, पूरा कपड़ा खराब हो गया, दूसरा हंसता रहता है। अरे वो चाहे कपड़ा खराब हो गया, चोट लगा है, ये कोई हंसने वाला समय है, लेकिन मजा आता है। क्यों अत्याचार कर रहे हैं, मैं एक बार हंस रहा हूँ, तीन बार हंसा रहा है। चलिए देखो ऐसा है कि जिंदगी में मेरे आंखों से पानी आ रहा है, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खुशी के आंसू होते हैं। हम सब रो रहे हैं, कितना रोते हैं हम हर घटना में, हर पल। आदमी झंझटों से ऐसा जकड़ा हुआ है कि अपने दुख को भूल ही नहीं पाता है। आप सोचो यहां जब आप हंस रहे हो, कथा सुन रहे हो, वो कितना अमूल्य समय है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। एक बहुत बढ़िया भजन है, बाद में पूरा सुनाएंगे, अभी समय नहीं है। तो उसमें लाइन ये है कि रो लेना आसान है, लेकिन मुस्कुराना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। और आपको पता है ये भी एक आर्ट है, कला है। हजार गम हो दिल में, अगर इंसान को ये कला आ जाए तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। आप कभी विदेशी लोगों को देखो, कभी मिलने का मौका मिला, मालूम है चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है उनके पास, समस्या है, जैसे आप देखेंगे उनके वोट इतने बढ़िया से एकदम खुलते सटी, हंसते नहीं स्माइल करते हैं, चाहे कैसे भी हो। हम लोग जो है वो किसी से मिलना भी नहीं जानते। अरे गुस्सा हो तो गुस्सा को छुपा लो। अब उस बेचारे का क्या कसूर है, उसने आपको कहा भैया नमस्ते, हाँ गुस्सा गुस्सा हिम्मत नहीं बा, और बेचारा छोट का नहीं का आए लखल काका राम राम, या तो कहीं गुस्सा के नहीं तो आके दिखा के निकल गए। हंसना बहुत कठिन है और ये कला सीखनी पड़ती है। पहले तो कोशिश करिए कि जो जीवन में मिला है उसे परमात्मा का आशीर्वाद प्रसाद समझ के और उतनी में जिंदगी बसर जीने की कोशिश। समझ में आया? जो परिस्थिति हमको प्राप्त हुई है उस परिस्थिति के अनुकूल खुद बन जाओ, एक जिंदगी जीने का ये ढंग है। जो कोई इस तरह जीवन जीता है हमेशा खुश रहता है। अब उदाहरण के तौर पर इंप्लीमेंट घटाओ। आपके पिता ने आपकी शादी ढूंढी, एक ढूंढा तो उसने मांगा 1,00,000 रुपया दहेज, दूसरे ने मांगा क्योंकि उसका प्राइवेट नौकरी था तो उसने मांगा 1,50,000 रुपया, और तीसरे की सरकारी नौकरी थी तो उसके बाप ने मांगा 10,00,000 रुपया। आपके पापा के पास सिर्फ 1,00,000 देने को था, तो उन्होंने शादी वहां की जो लड़का एक तरह से बेरोजगार था या थोड़ा सावला था। अब जो मिल गया, पापा ने अपने अनुसार शादी खोज दी कर दी, तो जो मिला है उसके साथ खुश रहो ना। अब ऐसा तो नहीं कि चेंज करना है, हो भी नहीं सकता, और करोगे तो क्या गारंटी है कि दूसरा अच्छा मिलेगा। ये तो बड़ा कमाल का, शादी इतना बड़ा डेंजर जोन है, एकदम रिस्की मामला है।
क्योंकि पता ही नहीं है कि पत्नी कैसी होगी पति कैसा होगा, ये तो बस जुए की तरह है। हाँ मतलब क्या कर सकते हो, एक्सचेंज नहीं है ना, बदल नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते। आप देखोगे तो किसी का रूप ही तो देखोगे, उसके हृदय में क्या भावनाएं हैं, कैसे संस्कार हैं, कैसे गुण हैं, क्या पता। तो कंप्लीट समझौता का नाम है विवाह। ये बात कहां से निकलती है, ऐसे कथा में ऐसी बड़ी बड़ी बातें निकल जाती हैं। हंसने के ऊपर बात शुरू हुई थी, ठीक है ना, लहरों को अभी हंसी आ रही है। इसलिए आपके पास जो मौका मिला है ना, जो परिस्थिति मिला है, उस परिस्थिति में रहो, बहुत खुश रहेंगे। हर जगह आप अपने अनुसार परिस्थिति बना नहीं सकते, बना सकते हैं क्या? देखो हमने माँ को खोजा नहीं, भगवान ने हमको दिया। पिता को हमने चुना नहीं, हमको जो भाई मिला है वो गिफ्ट है। हमने अपने चॉइस के साथ नहीं कहा कि मम्मी हमको ऐसा भाई चाहिए, नहीं ना, जो आया वो भगवान का दिया, वो उपहार है। सब कुछ हमको मिला है, फिर हम जबरदस्ती क्यों लगे रहते हैं? नहीं नहीं हम अपने अनुसार जीवन जिएंगे, हम अपने अनुसार व्यवस्था बनाएंगे, जीवन भर यही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला।